रणधीर भाई साहब जो के थोड़ा पैर इनका एक ऐसा है जो के सीढ़ियाँ वगैरह चल भी नहीं सकते इन्हों, आप कहाँ से हैं मैं सबसे पहले पूछना चाहूँ? झारखंड से हूँ सर। झारखंड से हैं, इतनी दूर हैदराबाद आए आप, और इन्हों पहले पूछे थे किसी और से या कभी भाई मिस्टेक इनको बता दिए कि लिफ्ट वगैरह के बारे में, तो इन्हों आ गए यहाँ पे, तो अभी इतनी दूर आ गए पैर ऐसा रहने के बावजूद भी, और ये सबके लिए एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बहुत सारे बच्चे पूछते सर दिल्ली में नहीं है क्या इंस्टीट्यूट आपका, गुजरात में नहीं है क्या, राजस्थान में नहीं है क्या, तो आप एक पैर से बिल्कुल भी चलने नहीं आता है इनको, कोई हेल्प करना होगा तभी ये सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ सकते हैं। तो इनकी एक कमज़ोरी के इन्हों कमज़ोरी को ही ताकत बनाए अपनी कि मैं जो है ना ऐसा पैर रहने से रुकने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इन्हों अपने माइंड को ऐसा पॉजिटिव करें कि मैं इतनी दूर साउथ को आगे, राजस्थान ना आपका, झारखंड तो नॉर्थ में पड़ता और ये हैदराबाद हमारा साउथ में पड़ता है, इतनी दूर अपने चाचा के साथ आए, एक बार उनके लिए भी क्लास भेजो इनके साथ में रहते रहते। दोस्तों आज हमारा 27 सितंबर का एक और सक्सेसफुल बैच कंप्लीट हो चुका है, हमारे आर्मी के मेंबर्स यहाँ से रेडी होके अपने अपने शहर आज यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वो घर के लिए अपने रवाना होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको हम नसीहत करते हुए कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये 20 दिन से मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक करके इन्होंने मेहनत की और सब ने अपना अपना बेस्ट दिया, और हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट आ गए जो कि हैंडीकैप थे, जिनका पैर भी थोड़ा सा चलने भी नहीं आता था, ठहरने भी उनको नहीं आता था, बट वो उत्तराखंड से इतनी दूर हैदराबाद आ कर के 20 दिन हमारे साथ रहे वो, और बहुत मेहनत से ये लोग ये ट्रेनिंग लिए हैं फ्रेंड्स, और सभी बच्चे पूरा भारत पूरा देश यहाँ पे है, और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं सब लोग अपना अपना बेस्ट इनको देने की कोशिश किए, हर वक्त इनको मोटिवेट रखे, हर वक्त इनको हम क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है हर चीज़ इनको गाइड करते रहे, इनको डायग्राम की नॉलेज देते रहे, इनको हैंड स्किल का काम कराते रहे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इमेंसिव प्रोग्रामिंग तीनों में इनको मास्टर बनाने की कोशिश किए, 20 दिन तक जितनी हो ज़्यादा हो सकता उतना ज़्यादा इनको समझाने की कोशिश किए, ज़्यादा इनसे काम लेने की कोशिश किए, रात में हॉस्टल में भी इनसे हम लोग काम लेते हैं, एक एक बच्चे से सर्किट डायग्राम बनाने लगाते हैं और आईसीयू की डिटेलिंग इनको बनाने लगाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हैंड स्किल के साथ साथ सर्किट की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सर्किट है, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, डिवाइडर सर्किट, रेजिस्टर्स कैसे मापने हैं, वोल्टेज कहाँ पे कितना आना है, ये सब कुछ इनको नॉलेज देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे पूरा दिलचस्पी के साथ यहाँ पे हर रोज़ 10 घंटा अपना यहाँ पे लगाते हैं, हर एक बच्चा आप देख सकते हैं इनके चेहरे की खुशी, इनकी स्माइल इनको बताती है कितनी मेहनत से ये लोग 20 दिन यहाँ पे गुजारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने खुश यहाँ पे हैं, क्योंकि फ्रेंड जब इनको कुछ मिलता है तभी उनके चेहरे पे खुशी आती है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं नेक्स्ट बैच हमारा अक्टूबर 27 से है, आज ही बुक कर लें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सुनील कुमार के लिए जोरदार क्लास, थैंक यू। अरे इनके लिए और एक बार क्लास भाई, और एक बार आ जाए। तो रणधीर भाई साहब जो के थोड़ा पैर इनका एक ऐसा है जो के सीढ़ियाँ वगैरह चल भी नहीं सकते इन्हों, आप कहाँ से हैं मैं सबसे पहले पूछना चाहूँ? झारखंड से हूँ सर। झारखंड से हैं, इतनी दूर हैदराबाद आए आप, और इन्हों पहले पूछे थे किसी और से या कभी भाई मिस्टेक इनको बता दिए कि लिफ्ट वगैरह के बारे में, तो इन्हों आ गए यहाँ पे, तो अभी इतनी दूर आ गए पैर ऐसा रहने के बावजूद भी, और ये सबके लिए एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बहुत सारे बच्चे पूछते सर दिल्ली में नहीं है क्या इंस्टीट्यूट आपका, गुजरात में नहीं है क्या, राजस्थान में नहीं है क्या, तो आप एक पैर से बिल्कुल भी चलने नहीं आता है इनको, कोई हेल्प करना होगा तभी ये सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ सकते हैं। तो इनकी एक कमज़ोरी के इन्हों कमज़ोरी को ही ताकत बनाए अपनी कि मैं जो है ना ऐसा पैर रहने से रुकने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इन्हों अपने माइंड को ऐसा पॉजिटिव करें कि मैं इतनी दूर साउथ को आगे, राजस्थान ना आपका, झारखंड तो नॉर्थ में पड़ता और ये हैदराबाद हमारा साउथ में पड़ता है, इतनी दूर अपने चाचा के साथ आए, एक बार उनके लिए भी क्लास भेजो इनके साथ में रहते रहते। आप ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं दिल्ली में इंस्टीट्यूट फोन फिक्स नहीं है क्या सर, इतनी जगह खोलना तो पॉसिबल नहीं है, हर जगह जा भी नहीं सकते है ना, तो इतनी दूर क्यों आए आप? दिल्ली में भी जा सकते थे, गुजरात में भी इंस्टीट्यूट है, भोपाल MP वगैरह में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ नहीं जाके यहाँ क्यों आ गए? सर मैं YouTube में रिव्यू वगैरह देखता था, यहाँ पर
पढ़ाने का जो बताते थे यहाँ पर सर लोग जो, वो तो ठीक है, प्लस यहाँ पर ज़्यादातर काम जो है स्टूडेंट के हाथ से किया हुआ यूट्यूब में दिखता है। वाह, एक बार इनके लिए ज़ोरदार क्लास दो। यहाँ पे एक सबसे अलग हट के ये दिखा आपको कि बच्चे बैठ बैठ के काम करते, बहुत जगह पे टीचर को ही देखे होंगे, ज़्यादातर जगह पे देखने को मिलता है कि टीचर ही सब कुछ करके दिखाते हैं, डुअल डेकर करते हैं, आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं, वो सारा कुछ वीडियो पे उन्हीं का दिखता है। यहाँ के वीडियो पे दिखता है कि यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेसिंग कर रहे हैं, वो डबल डेकर बना रहे हैं, तो जिसके कारण मैंने मन बनाया कि मैं किसी तरह फोन फिक्स पहुंच जाऊं। तो जो वीडियो में देखे थे वैसे ही था कि कुछ अलग है? हाँ सर, उसी तरह से है, सेम है। यस सर। तो जो सोच के आए थे मिला आपको? यस सर। क्या क्या काम कर लिए थोड़ा सा बताइए आप। काम ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, रिबॉलिंग वगैरह, ट्रेसिंग भी अब थोड़ा आसान हो गया। मेन मैं यहाँ पर आया था ट्रेसिंग, डेड फोन में कुछ हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि कौन से एरिया में काम करना है, तो अभी जो क्लास से नॉलेज अब मिला है तो अब मतलब पहले था कि पूरा बोर्ड में कहाँ काम कर रहा है वो पता ही नहीं था, पूरा 100% बोर्ड में, अब लेकिन पता है कि हाँ किस एरिया में पर्टिकुलर। अब बोर्ड को देखने का नज़रिया बदल गया। हाँ सर इजिली फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। जैसे ब्लैक पेस्टेड बोले, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई ग्लू वगैरह खरीदने की जरूरत है क्या? ब्लैक पेस्टेड इजिली खोल लेते हैं? यस सर। कौन कौन बगैर आईसी को डैमेज करके खोल सकते सभी लोग इजिली वन शॉट में? यस सर। कैसा लगा सागर सर का पढ़ाने का तरीका भाई, बताओ? बढ़िया सर। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा लगा? यस। स्किल वगैरह जो भी सिखाया आपको? यस सर। थ्योरी वगैरह कैसा पढ़ाया आपको? थ्योरी के बगैर तो ये स्टार्ट ही नहीं हो सकता था हम लोग का, वो यूट्यूब देख के अभी तक कोई भी फॉल्ट आता तो हम लोग यूट्यूब पे खोजते थे फॉल्ट का वीडियो, लेकिन अभी है कि सेमेटिक का नॉलेज हो गया है और उसको पढ़ना आ गया तो अब फॉल्ट फाइंडिंग आसान हो गया है। हैंड स्किल का काम सारा कर लेंगे। हाँ सर। बाकी लास्ट में हमारा क्लास हुआ MMC सॉफ्टवेयर का, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा क्लास? वो भी बढ़िया था सर, वो भी हम लोग पहले सॉफ्टवेयर में पहले सॉफ्टवेयर का काम करता था, लेकिन जैसे फ्लैशिंग कर रहा हूँ तो कोई एरर आ गया तो हम लोग को लगता था कि ये फाइल ही खराब है, दूसरा फाइल डाउनलोड करते थे, तीसरा फाइल डाउनलोड करते थे, लेकिन अब हम लोग को एरर का पता चल गया है तो पता है तो क्या काम करना। हाँ, कौन सा एरर किस कारण से आ रहा है तो वो एरर को सॉल्व करने का अब हम लोग को ये मतलब सेटिस्फेक्शन है आप। यस सर। जो सोच के आए थे मिला? यस सर। अब एक लास्ट अल्फाज में बता दो, कोई फोन फिक्स आना चाह रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? जिनको भी प्रॉपर नॉलेज चाहिए, अगर अभी नए फ़ोनों में, 4G फ़ोनों में, 5G फ़ोनों में काम करना है और इस फील्ड में स्टे करना है, काम करना है, पैसा कमाना है, तो अपग्रेड खुद को करना पड़ेगा, तो उनको ऐसे बढ़िया से इंस्टीट्यूट में आके सीखना ही पड़ेगा अपने से। मैं बहुत कोशिश किया कि खुद से कहीं जाना नहीं पड़े, खुद से मैं कर लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। 100% होने के लिए कोई गुरु होना ही चाहिए, गुरु के पास जाके ही सीखना हो। खुद से कोशिश उतनी कर सकते जितनी समझ है आप। यस सर। लेकिन आप बताओ, खुद से बोर नहीं हो, इतना सारा ये हार्डवेयर सोल्यूशन दे दिया, क्या खुद से अपन सारा डायग्राम के लाइन सारे सीख सकते क्या वो रहने के बावजूद? नहीं सर, उसका स्टार्टिंग तो वो सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो एक रास्ता मिल जाता है, उसके बाद फिर जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँच। सोल्यूशन तो है नहीं बॉर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम में, डायग्राम में मिल जाता आपको, लेकिन हार्डवेयर सोल्यूशन में तो पूरा मिलता भी नहीं है। यस सर। तो अभी तो आपको हार्डवेयर सोल्यूशन तो खोल के नहीं देखेंगे खाली? नहीं सर, अपन क्लास पढ़ते हैं तो हार्डवेयर सोल्यूशन खोलते ही नहीं अपन, डायग्राम से ही सारा कुछ अभी पता चल जाता है। हार्डवेयर सोल्यूशन में पूरा जानकारी नहीं रहता है। कुछ मोबाइल लाए थे आपके साथ? हाँ सर, करीब 5-7 मोबाइल था। कितने बना लिए? 3-4 मोबाइल मेरा बन गया है, कुछ में पैड्स वगैरह डैमेज थे तो वो पहले से काम होके आया था उस पर। हाँ ठीक है, जाके तो कर लेंगे ना वो भी। हाँ सर ठीक है, इनके लिए एक बार जोरदार क्लास भाई, थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, इनको थोड़ा सा हेल्प। संजय खान के लिए जोरदार क्लास।
तो संजय को मैं जब भी देखा ऑलवेज मुस्कुराते रहते, खुश रहते। इनको देख के अपने को भी सीखना चाहिए, वो ऐसा ही रहना चाहिए, है ना। आप कहाँ से? मैं ओडिशा से हूँ सर। ओडिशा से इतनी दूर से आगे भाई, इतना हैदराबाद यहाँ से। सर आपका एक स्टूडेंट था जो कि अपने गांव में जाने के बाद में वो पूरा धमाल मचा दे, जो भी उससे एक्सपर्ट थे उनको वो पीछे छोड़ दिया। तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाओ और फिरोज सर के पास वहीं इंस्टीट्यूट में कॉन्फिक्स में सीखो, तो इसलिए मैं आया सर। देखो भाई ये लाइव बोल रहे हैं, मैं तो नहीं सिखा के बैठा दिया आपको। क्या नाम है? मैं तो नहीं सिखाया ना आपको। दीपक सर, दीपक, दीपक नाम है। अच्छा उड़िया आती है आपको? हाँ आती है सर। थोड़ा उड़िया में बोलो भाई, नहीं तो बोलेंगे हैदराबाद की है। मुझे कह चाहूँगी जे आमर जो मोबाइल जो अक्षर हो छोटा अक्षर माने सिक्स जो लेटर होता है, अगर उसको पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना है तो आप यहाँ फोन फिक्स आइए। अगर अगर और कोई भी अगर आप इंस्टीट्यूट जाते हैं, मगर कोई माने को जो इंस्टीट्यूट जीवे हेले कोड़ी एम सिखाएब, कोड़ी ओ सिखाएब, कोड़ी बी, कोड़ी एल, माने प्रॉपर आप नॉलेज पाइबे नहीं। अगर आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना है तो आपको यहाँ फोन फिक्स में आना ही होगा, क्योंकि यहाँ का थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल से लेके सॉफ्टवेयर तक ये तीनों जो है पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत एडवांस है। लेकिन पहले जो मैं सोचता था, मैं 11 साल से ये लाइन में हूँ, सब मेरा 11 साल हो गया, तो मैं सोचता था मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मोबाइल का एम जो पहला अक्षर होता है वो मुझे ही नहीं मालूम है। दिल से बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं आप, क्योंकि सच्चाई बोल रहे हैं आप। कितने साल से कर रहे थे आप काम? 11 साल हो गया था। 11 साल हो गया, तो जो सोच के आए थे मिला आपको? बहुत मिला सर। क्या क्या कर लिए काम अभी तक टोटल? सर मैंने हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर मोबाइल में तीन मोबाइल लाया था, तीनों मोबाइल बन गया सर। वाह, पहले नहीं बन पा रहे थे क्योंकि नॉलेज प्रॉपर नहीं था सर। बिल्कुल पूरा भूल भुलैया था सर मेरे लिए, मतलब अंदाजे से काम करते थे आप। अभी जाके आप और एक धमाल बचाना है वहाँ पे। जी सर, जी सर। कहाँ से आप? थोड़ा एड्रेस बता दो आपका। ओडिशा का देवगढ़ जिला। देवगढ़ जिला जी। तो आपका दुकान का नाम क्या है? संजय कम्युनिकेशन। थोड़ा नंबर भी बता दो, फोन नंबर आपका? 9777947125। देखो भाई नंबर भी दे दिए स्टूडेंट का ऐसा। और ये तो सर और एक बात बोलना चाहूँगा कि इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, मैं आप चैलेंज कर सकता हूँ कि फोन फिक्स का जो स्टूडेंट होगा सबको चैलेंज कर सकता है। वाह क्या बात है, एक बार 2000 क्लास भाई इनके लिए। जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं? दिल से बोल रहे सर। अच्छा लगा भाई सुन के आपका कॉन्फिडेंट देख के, क्योंकि आप इतना कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं क्योंकि आपको कुछ मिला और दूसरा बंदा आपको भेजा, उसका काम देख के आप आए और आप जो बोला वो बिल्कुल सही था कि गलत था? सही, सही सर, सही सर, बिल्कुल सही था। कोई यहाँ फेक वीडियो तो नहीं बनाते यहाँ? नहीं नहीं सर, जो है पूरा ओरिजिनल है। जो है ओरिजिनल, और ज़्यादातर आप देखे होंगे स्टूडेंट यहाँ पे सब काम करते हैं यहाँ पे। जी सर। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको आईसी वगैरह निकालने डालने डर लग रहा होगा ऐसा? नहीं सर, क्योंकि सर यहाँ का जो हैंड स्किल है सर बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर मतलब एक एक स्टूडेंट के लिए पूरा लाइब्रेरी ये अपना सेटअप बना हुआ है, जो कि कोई भी होता है तो एक वेट करता है तो दूसरा काम करता है इंस्टीट्यूट में, देखा है। लेकिन यहाँ जो हर स्टूडेंट का अलग अलग मतलब सेटअप बिठा हुआ है, सारे ब्रांडेड टूल्स है। ब्रांडेड टूल है, कोई ऑर्डिनरी टूल्स तो नहीं है? नहीं सर, और सब ही फ्री है। हाँ। आपको ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जितने भी पीपड़ी हो गया कि मतलब सोल्डर हो गया जो भी कुछ भी है यही इंस्टीट्यूट से मिलता है। तो देते ऐसा नहीं कि इतना दे दी इसी में काम कर लो? नहीं सर। कितना देर चल रहा था प्रैक्टिकल आपका? प्रैक्टिकल सर देखिए हमारे सुबह से तो हम लोग 10:30 बजे से स्टार्ट होता था थ्योरी क्लास, जो कि 1:30-2 बजे तक चलता था, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटे के बाद 3 बजे से, रात का कोई लिमिट नहीं है, 9 मतलब मैक्सिमम तो 9 बजे तक क्लास हम लोग का हार्डवेयर चलता है, 9 बजे तक अपना चल रहा है। जी सर। इतना हैंड स्किल का काम नहीं सीखा कि आपको पूरा 6-7-8 बजे तक मैं थ्योरी पढ़ाऊँ कैसे रहे? नहीं होगा सर, कुछ नहीं। मैंने यहाँ जो भी सुबह के क्लास में थ्योरी हुआ वो प्रैक्टिकल शाम को पूरा वही चीज़ करा के देते हैं सागर सर। और मेनली से तो हमें मेरे को तो इंटरेस्ट ज़्यादा हार्डवेयर में था ही, फिर भी मेरे को सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा नॉलेज मतलब चाहिए था, जो कि तौफीक सर ने इस तरह से मैंने बताया जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट में इस तरह से नहीं बताते सर, आज तक जितने मैंने वीडियो देखे हैं पूरा डीपली सर। और एरर तो सर हर एक मतलब मीडिया टेक में अगर कोई भी एरर तो उसका एक एरर नहीं बताएं, 10-10 एरर बताएं, जो कि कोई भी एक भी मोबाइल रिटर्न नहीं जा सकता सर। UEFI बॉक्स और इजी जेट अटैक दोनों बताएं सर। सर सबसे पहले आपको बेसिक सिखाए होंगे, ड्राइवर कैसे डालना है, टूल कैसे डालना है, फ्लैशिंग कैसे। और सर अपना सपोर्ट के लिए लाइफ टाइम तो सपोर्ट ही है, उसके साथ वेबसाइट भी दी है हमको 2 महीने के लिए। और एक बात बड़े सर, जो डाटा है उनने जो मेहनत करके सर रखे हैं वो सबको सर शेयर किए हैं सब सर। सॉफ्टवेयर छुपाने की कोशिश तो नहीं? नहीं सर, मैं जो हाथ से बनाया जो फोटोज बनाए वो भी दिया आप लोगों को। जी सर, ग्रुप में सारी चीज़ दी है। बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे प्रॉपर सीखे नहीं, आधा अधूरा नॉलेज दे देते हैं और आधे अधूरे में जो बच्चा रहता है वो बहुत परेशान रहता है। जी सर, कोई भी काम आप लाइफ में ले लो आधी अधूरी नॉलेज रही है आपके पास, प्रॉपर नॉलेज नहीं, नहीं नहीं सर, तो सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता और वो रिजल्ट भी नहीं आता। जब आप सिखा रहे हो तो फिर अच्छे से सिखाना है। जी सर, और स्टूडेंट भी उतनी मेहनत करना है। जी सर, आप बताओ अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते सिर्फ टीचर ही मेहनत कर रहे हो तो आप सीख पाएंगे क्या? नहीं सर, कोई भी रात में हॉस्टल में भी आपको बोलते हैं डायग्राम बनाओ ड्रॉ करो। जी सर, सबको डांटते भी बनाने के लिए भी बोलते हैं। हाँ सर, क्यों, रीजन क्या है बताओ?
क्योंकि देखिए आगे अगर आगे बढ़ना है तो सर मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि हाँ सर मेहनत कर दिया और हम जाके कुछ नहीं किए तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। डायरेक्ट सोल्यूशन तो नहीं चाहिए अपने को। नहीं सर, मोबाइल आया, पैक फोन डाल दिए, फोटो डेड मोबाइल, क्या करना बताओ? नहीं सर, ऐसा तो नहीं बोलते नहीं ना? सर, अपने पास स्टेप्स है, तरीके है, खोलना है, चेक करना है, बेसिक चेकिंग करनी है अपने को। जी सर, सारी चीज देखना है। डायग्राम वगैरह कैसा पड़ा है आपको? सर पूरा डीपली, मैंने ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब सर्किट हो तो उसका मतलब रजिस्टर से लेके कपड़े से हर मतलब हर एक कंपोनेंट के बारे में सर आपने नॉलेज दिया, जो कि आगे चल के हम लोग बहुत सर हेल्प करेगा सर। कोई भी आईसी की डाटा शीट बनाना हो सारा देख लेंगे, इनपुट सप्लाई क्या चाहिए, आउटपुट क्या निकल रहा है। जी सर, बना सकते हैं। जी सर, ठीक है। ब्लैक पेस्टेड वगैरह डबल लेकर? हाँ सर, एक बनाया मैंने सर, खुद ब्लैक पेस्टर्ड व्हाइट पेस्टर्ड डुअल लेकर भी एक बनाया सर। खुद के हाथ से बनाया? हाँ सर, खुद बनाया। कैसा लगा ट्रिक सिखाने का सर? बहुत ही इजी ट्रिक है सर, जो कि मतलब यूट्यूब में देखने से भी आपको ये ट्रिक तो मिलेगा नहीं। फिर मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा सर, फोन फिक्स। एक बार 2000 क्लास में इनके लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।